सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सैमसंग गैलेक्सी A14 मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को सेट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है आपको स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर देख पा रहे हो बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी। तो आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट्स, तो आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको पैटर्न, पिन या पासवर्ड किसी एक में से किसी भी एक पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आपको एक पैटर्न ड्रॉ कर देना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से पैटर्न डाल देना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपने फिंगर को जो है स्कैन करवाइए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने फिंगर को स्कैन करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से फिंगरप्रिंट को स्कैन करवाना है जल्दी जल्दी से, बार बार, जब तक ये फुल ना हो जाए तब तक आपको फिंगर को स्कैन करवाते रहना है। यहाँ पर 100% हो जाएगा तो आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, डन करना है। और डन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एग्री कर देना है, और अब आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो लग चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं फिंगर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए अनलॉक हो रहा है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को सेट कर सकते हैं।